नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और बताते रहेंगे, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कपड़ा लेने आप लोग कभी गए होंगे खरीदने, बड़ा अजीब धर्म संकट सा हो जाता है अगर धर्म पत्नी के लिए आप गलत कपड़ा ले आए तो। होता क्या है, दुकान पर देखो तो कपड़ा कुछ और दुकान से बाहर निकलो तो पता चलता है जी कपड़े का तो जी कलर कुछ और था। वहाँ दिख रहा था जी थोड़ा नीला था, बाहर दिखा तो थोड़ा हरा सा। अब आपकी तो हवाइयाँ हो जाती, मगर ऐसा होता क्यों? वैसे ऐसा गृहणियों के साथ भी होता है और करीब करीब सभी के साथ जो कपड़ा खरीदते हैं उन सबके साथ होता है कि कपड़े का रंग दुकान में हमें अलग दिखता है और दुकान से बाहर अलग दिखता है। जबकि दुकान ऐसा नहीं कि अंधेरे में खरीद ला या बिना देखे खरीद ला, अच्छी तरह देख परख के खुली आंखों से खरीदते हैं हम कपड़ा। फिर भी ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले बताऊं, सूर्य का प्रकाश, ये जो सूरज हमारा जीवन दाता है ना, इसके प्रकाश का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। चांद को देखा है, बिल्कुल सफेद होता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, बिल्कुल सफेद दूध या रोशनी होती है, वो सूर्य के प्रकाश से ही तो चमकता है चांद। सच्चे मायने में सफेद प्रकाश जिसमें सातों रंग मिले हुए होते हैं, इंद्रधनुष के सातों रंग देखें, वो सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं दोस्तों। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश सफेद होता है। हम एक अपने वीडियो में बता चुके हैं कि हमें अलग अलग रंग का सूर्य क्यों दिखता है, खैर वो एक अलग विषय है। इसमें सातों रंग होते हैं, इसमें सच्चा रंग दिखाई देता है किसी चीज का, क्योंकि कौन सी चीज से कौन सा रंग आगे टकराएगा, फिर वापस कौन सा रंग जाएगा, वो सब सूर्य के प्रकाश में। अब हम उस दुकान की बात करते हैं जहां से आप कपड़ा खरीद के लाए, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये वहां बल्ब लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फोकस लाइटें, और जैसे ही आप जाते हैं लाइटें, आप कभी गौर करिएगा अगर वहां पहले से कोई नहीं है तो फटाफट लाइटें जलाई जाती हैं और आपको वो कपड़ा दिखाया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका उद्देश्य ये होता है कि आपको कपड़ा भिड़ा दिया जाए, उनका उद्देश्य यही होता है कि आप कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख लें, अच्छी तरह देख लें, उनकी चीज बिक जाए। किसी भी दुकानदार का उद्देश्य मुख्य तो यही होता है कि भाई उसकी चीज बिक जाए, आप वहां गई हैं तो उसे दो पैसे आपसे मिल ही जाए, यही तो होता है। तो अब क्या होता है, अब ये तो जी खूब सारी लाइटें आ रही है और ये पड़ा हुआ है आपका कपड़ा जिसपे लाइट पड़ रही है, लेकिन सारी जो लाइट्स पड़ रही, जो सारी यहाँ पे बल्बों की रोशनी पड़ रही है, उनका संयुक्त विद्युतीय प्रभाव भी सूरज के उस सच्चे प्रकाश का कहीं मुकाबला नहीं करता। वो सफेद रंग जिसमें सातों रंग होते हैं, इनमें कुछ रंग गायब होंगे, पूरी तरीके से सच्चे सफेद नहीं होंगे, कुछ रंग गायब होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कमी होगी रंग की, क्योंकि कृत्रिम प्रकाश है, वो प्राकृतिक प्रकाश है, प्राकृतिक प्रकाश और रंग भी होते हैं, मैं यहाँ सूर्य की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करेंगे, इस कपड़े पे जब ये प्रकाश पड़ेगा तो ये कुछ रंग अवशोषित कर लेगा और कुछ को वापस कर लेगा, कुछ रंग इसमें होंगे नहीं तो वो भी वहां पे कमी खिलेगी। तो कपड़े का अपना रंग और इन लाइटों का रंग ये मिला के, कभी कभी तो लाइट थोड़ी सी अलग कलर की भी डाल देते हैं, तो सब मिला के एक प्रभाव आपके आंख में जाता है। तो जो रंग आपके आंख में जाएंगे आपको कपड़ा वैसा दिखेगा और आप वैसा ही सोच के ले आएंगे, लेकिन जैसे ही सूरज देव के सामने वो कपड़ा आएगा उसकी सारी असलियत खुल जाएगी, क्योंकि सूरज देव के सामने जो सातों रंग उसमें पड़ेंगे और जिस रंग को अवशोषित कर लेगा वो अवशोषित हो जाएगा, जिस रंग को वो वापस कर देगा वो उस कपड़े का रंग होगा, कोई और प्रभाव नहीं, कोई और दृश्य प्रभाव नहीं। तो इसलिए कपड़े का रंग दुकान में अलग दिखता है और बाहर अलग दिखता है, सीधा सा कारण, ऐसी सीधे साधे दैनिक जीवन से जुड़े कारण हम बताते रहेंगे। चैनल जिज्ञासा, देखते रहिए मित्रों, नमस्कार।